Hi everyone, welcome back to an academy. Welcome back. I'm Antara Chakraborty. Please let me know whether I'm visible and audible. Visible and audible. Is my voice coming twice? Let me just check. Is my voice getting repeated twice? No, it's clear. Okay. Hello, everyone. Good evening and welcome back. I just came back today and this is my class with all of you after almost 8 months. I have not had any classes with you in the past 8 months because I thought I would not be able to take any more classes. But बहुत सारे requests आए थे students से और मैं क्या करती, मुझे लगा कि मैं कुछ time शायद और दे सकती हूँ towards giving you people these classes. Now those of you who already know me, my name is Antara Chakraborty and I am the top sociology educator for UGC NET and related exams. For those of you who do not know me, I am also a PhD researcher and I teach sociology. 6 saal ho gaye hain. It has been 6 years teaching you all the content for UGC NET or any other objective type based question based exams. So good evening to one and all those of you who are asking me about my health. I'm completely fit and healthy, thanks to God's blessings. But what made me not take classes was not my health but my my schedule for my PhD काफी end की तरफ है मेरा PhD, so it's not possible. मैं हमेशा एक जगह पे नहीं होती हूँ, so काफी वो problem हुआ था. But फिलहाल next 2 महीने के लिए तो मैं हूँ, and I'm going to tell you people everything about the classes that we are going to do for the next 2 months. किस तरीके के classes होंगे, time भी हमारे पास कम है since the exam is in the month of June, so we do not have a lot of time with us. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी प्रेपरेशन कर चुके हैं, बट देन देर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग विद कंप्लीट बेसिक्स. सो डोंट वरी, सिंस आई एम देयर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू पीपल ऑल दैट पॉसिबल. नाउ बिफोर यू ऑल आस्क मी कि क्या मैं नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाऊंगी कि नहीं, वो मुझे नहीं पता. बट फिलहाल वी विल ओनली फोकस ऑन द जून 24 एग्जाम. जून एग्जाम के लिए आई एम देयर एंड आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल एवरीथिंग दैट इज देयर फॉर यू पीपल ऑन अन अकेडमीज प्लस क्लासेस एज वेल एज अन अकेडमीज फ्री क्लासेस एंड सो ऑन. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ आज लाइव सेशन में हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें मैंने चेंज की है, काफ़ी सारे न्यू रूल्स मैं लाई हूँ, सो दैट एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रैटेजिक. एज आई सेड, टाइम इज लेस इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग वेरी स्ट्रैटेजिक एंड रूटीन वाइज, सो दैट हम लोग कम समय में ज़्यादा कवर कर पाए. एंड द नेक्स्ट 2 मंथ्स आई एम नॉट गोइंग एनी वेयर. सो दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलवेज स्केयर्ड एंड ऑलवेज हैव द सेम कंप्लेंट कि मैम क्लासेस तो शुरू करेंगी बट देन शिल गो गायब, आई एम नॉट गोइंग गायब, दिस मच गारंटी आई कैन गिव फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स अंटिल जून. सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी आ चुके हैं. इट्स बीन 5 मिनट्स, सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ क्लास. अगर मेरी आवाज़ लो आ रही है प्लीज़ उसे बढ़ाएं, बिकॉज आई जस्ट केम बैक टुडे, आई एम स्टिल सेटलिंग डाउन विद एवरीथिंग. नेक्स्ट क्लासेस हमारा टीवी में होगा, सो वो सारे क्लासेस हमारे बेटर होंगे, बट आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर. येस, ऑल राइट. So with that, I will start with the basics. जैसे मैंने कहा, there are many students out there जो बिल्कुल भी उनको आइडिया नहीं है इस एग्जाम के बारे में, या फिर कहाँ से पढ़े, कैसे स्टार्ट करे. दो स्टूडेंट्स एज वेल एज ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, या फिर यू ऑलरेडी हैव सम प्रेपरेशन विथ यू पीपल, ऑल ऑफ यू आई वॉन्ट
you people to pay attention and listen to me in this whole class, whatever I am going to tell, so that इसके बाद आपके अगर कुछ queries और doubts हो उन्हें मैं अच्छे से answer कर पाऊँ. Okay? All right. So let's start. All right. Okay. So before I start, कुछ basics मैं देख लेती हूँ, since मैं 8 months बाद आ रही हूँ, काफी time हो गया है, I have not taken classes. So welcome back everyone after 8 months. Basics से शुरू करते हैं. First we will start with basics. Now by basics I don't mean कि हम लोग एकदम जो basics होता है foundation class etc. उनसे शुरू करेंगे. Foundation classes etc. already covered है मेरे previous years से. So उनके readymade links और PDFs मैं आप लोगों को दे दूंगी, सो दैट इन दिस शॉर्ट टाइम यू पीपल कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर. हाउएवर हमारे पास जो ये 2.5 मंथ्स है, इसको हम कैसे कवर करेंगे, दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी. ओके, सो आई विल बी टीचिंग ओनली पेपर टू. आई होप ऑल ऑफ यू नो कि मैं पेपर वन के बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं आप लोगों को पेपर वन नहीं पढ़ा सकती, मैं सिर्फ आप लोगों को पेपर टू पढ़ाऊंगी, दैट इज सोशियोलॉजी. स्पेशली जो फोकस होगा वो जून 2024 एग्जाम्स के लिए होगा. फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू माय क्लासेस, न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, अगर आपको नहीं पता, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासेस दैट आई प्रोवाइड. एक होता है अनअकैडमी के प्लस क्लासेस जो कि पेड क्लासेस होते हैं, और दो टाइप के फ्री क्लासेस होते हैं, दैट इज अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस एंड अनअकैडमी यूट्यूब क्लासेस. सो हम इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करेंगे ज्यादा प्रेशराइज ना करके, बिकॉज ज्यादातर क्या होता है, व्हेनेवर यू नो इफ यू सी माय प्रीवियस सेशंस, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती हूँ एंड देन पॉसिबली क्लासेस नहीं हो पाती हैं. देयरफॉर मैंने इस बार का जो स्केड्यूल रखा है वो काफी रिलैक्स्ड रखा है, काफी सारे न्यू एक्टिविटीज में लाई हूँ, सो दैट प्रेशर दोनों में, मुझ में या आप स्टूडेंट्स में ज्यादा ना हो, इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो लेट अस लुक एट व्हाट आर द अदर थिंग्स यू पीपल हैव टू पे अटेंशन टू. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं वॉइस लो आ रहा है, बट मेरे साइड से तो वॉइस काफी क्लियर है. प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, इज माय वॉइस वेरी लो, मतलब बहुत ही कम है, एटलीस्ट सुनाई देने लायक अगर है पॉसिबल, देन वी विल कंटिन्यू विद दिस. यस, क्योंकि मैंने 8 महीने नहीं पढ़ाया है, सो आई हैव ऑल्सो लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू नो टीचिंग. एक टीचिंग का जो आवाज होता है जोर से पढ़ाना, वो भी अभी वापस आएगा, बिकॉज आई हैव नॉट बीन टॉकिंग एंड टीचिंग. सो गिव मी सम टाइम, आई थिंक वी ऑल विल बी बैक एंड फाइन. यस, ओके, नाउ I will answer all your queries, but ये मेरी request है कि आप लोग सारे queries जो आपके extra queries हैं वो मुझे आप end में पूछें, so that हम इस class का जो content है वो एक बार जल्द से समझ ले कि हम लोग short time में कैसे चीजें cover करेंगे. All right? Now, to those students who know कि मेरे सारे notes English में होती है, आई नो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, बट आई एम सो सॉरी, मुझे हिंदी नहीं आती उतनी, एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं हिंदी में, आई कैन जस्ट स्पीक इन हिंदी, सो ऑल माई नोट्स आर गोइंग टू बी इन फुल इंग्लिश. बट अगर आप मेरे क्लासेस फॉलो करेंगे, आई ट्राई अ लॉट टू यू नो स्पीक इन हिंदी इन बिटवीन, सो यहाँ वहाँ करके बहुत स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते हैं, बट सारे नोट्स आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है. ओके, ऑल राइट, नाउ सबसे पहली चीज तो माय टेलीग्राम, दोज ऑफ यू अगर आप लोगों ने टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि काफी महीने टेलीग्राम मेरा एक्टिव नहीं था क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रही थी, सो दो स्टूडेंट्स देख लीजिए, ऊपर मैंने लिख दिया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है अंतरा स्क्वाड. द फर्स्ट स्टेप फॉर यू पीपल इज टू ज्वाइन द चैनल, क्योंकि उसी चैनल से सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कौन सी क्लासेस कहाँ हो रही है क्या नहीं. रेस्ट इफ यू ओपन माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, आपको ये वाला पेज दिखेगा, चाहे आप फोन के ऐप से खुले या फिर लैपटॉप से खुलेंगे, वहां पे आपको सेपरेट सेक्शंस में फ्री क्लासेस, बैचेस, कोर्सेस वो अलग से आप लोगों को दिख जाएंगी. ओके, बट देन काफी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि मैम फ्री क्लासेस तो बहुत सारे हैं, प्लस के भी बहुत सारे कोर्सेस दिखा रहे हैं, कौन सा देखे कौन सा ना देखे, सम कोर्सेज आर इनकम्प्लीट, कुछ वीडियोस नहीं ओपन हो रहे हैं. सो ऑल दोस क्वेरीज आई एम गोइंग टू एड्रेस, बट फिलहाल दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. फ्री क्लासेस में कौन से क्लासेस देखने हैं वो भी मैं आप लोगों को एक पीडीएफ में अलग से लिंक्स के लिस्ट बना के मैं आपको बहुत जल्दी कल तक भेजने वाली हूँ. ओके, नाउ
First of all, let us understand why are we appearing for NET exam. Now, most of you are coming to appear for NET exam from different perspectives. कुछ students assistant professorships के लिए NET देना चाहते हैं, कुछ JRF पाने के लिए देना चाहते हैं, which will also help you for your PhD. और एक जो नया mandate आया है, वो है PhD के लिए. I hope you people are aware of the new UGC mandate that from now on, जो आपके NET के scores होंगे, उससे आप PhD में admission लेने के लिए भी eligible हो सकते हैं. So the NET exam has been given more importance. चाहे आप कितना भी इस एग्जाम को पसंद ना करें, कितने भी प्रॉब्लम्स हो इस एग्जाम में, इंक्लूडिंग मी, इवन आई डोंट प्रेफर एग्जाम्स लाइक दिस, बट क्या कर सकते हैं, नेट एग्जाम को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. सो वी विल हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स वेरी वेल सो दैट यू पीपल अपियर फॉर दीज एग्जाम्स वेल. ओके, एक चीज हमेशा याद रखना है जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि इफ यू हैव द यूजीसी नेट सिलेबस, अगर आप नेट सिलेबस को ध्यान से स्टडी करेंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन होती है. एंड दिस आई ऑलवेज से, नेट एग्जाम सिलेबस इज द फादर ऑफ ऑल सिलेबस. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, सारे एग्जाम्स का बाप सिलेबस होता है नेट सिलेबस. सो इफ यू आर फॉलोइंग दैट, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर CUET, SET, PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स एटसेट्रा. सो योर फोकस शुड बी finishing the whole syllabus first to last in detail, so that once you end up finishing this, आप कोई भी sociology exam का exam के लिए अगर आप बैठेंगे तो आपके लिए वो exam difficult नहीं होगा. Okay, now let us understand the exam pattern. थोड़ा बहुत हम लोग exam pattern थोड़ा समझ लेते हैं. Yes, जो students अभी late join कर रहे हैं, देखो बहुत सारी चीजें I have already said, so आप लोग बाद में recording देखना ध्यान से. Okay, now सबसे पहला रूल ये है कि सिलेबस को फुल्ली समझना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर द इयर्स, आई थिंक देयर इज नोबडी मोर एक्सपर्ट देन मी इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग नेट सोशियोलॉजी एक्सपर्टीज. और मैंने ये देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हर बार ये कंप्लेन करते हैं कि मैम क्वेश्चंस जो है सिलेबस के बाहर से आया था. नो, देयर माइट बी क्वेश्चंस व्हिच मे बी अननोन और रैंडम, या फिर यही कहीं से उठा के दे दिया, लेकिन क्वेश्चंस हमेशा सिलेबस से आती है. सो एनी मोर नॉलेज दैट यू पीपल looking forward to syllabus के अंदर ही रहना है, बाकी extra चीजों में नहीं जाना है. syllabus को A to Z solve करना है carefully. हमेशा याद रखना है syllabus के हिसाब से एक routine हम बनाएंगे. don't worry, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि routine कैसा होगा, कौन से units में ज़्यादा focus देना है. so have patience, I will answer all your queries. एक चीज मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स में सालों से कि स्टूडेंट्स सिलेबस कंप्लीट करने से पहले दे स्टार्ट विद मॉक टेस्ट PYQs. नो, दिस इज नॉट द स्ट्रेटजी दैट आई गो विद. माय स्ट्रेटजी इज फर्स्ट फिनिश द सिलेबस, ओनली देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग MCQs या PYQs. क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, उसको बिना पढ़े आप MCQs सॉल्व करेंगे, तो फिर बाद में आपको याद नहीं रहेगा वेयर डिड यू मेक अ मिस्टेक एंड वॉट डिड यू लर्न. So a very important thing that you people have to remember is this two steps. First, we have to finish the syllabus, chahe revision method mein ho, marathon method mein ho, detail manner mein ho, and then you should start solving MCQs and PYQs, or else it makes no sense. Okay, I will tell you which units need more time, extra searching. So stay tuned. I'm going to tell you people all this. Many students are asking, ma'am, crash course leke aaiye. Crash course main la rahi hoon, but crash course ke baare mein hum baad mein discuss karenge. Pehle let us see some basics. Now, अगर आपने नेट का सिलेबस अगर खोल के भी देखा है, वेल एंड गुड. अगर आप वैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक सिलेबस ही नहीं खोला, then let me tell you, नेट सोशियोलॉजी सिलेबस में हमारा 10 यूनिट्स होता है. वी हैव 10 यूनिट्स एंड ऑल द यूनिट्स डू नॉट रिक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम और स्ट्रेटजी. कुछ यूनिट्स बहुत लेंथी थियोरेटिकल होते हैं और कुछ बहुत स्ट्रेटजिक और GK बेस्ड होते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया है. यूनिट 1 सोशियोलॉजिकल थियोरी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, डिटेल्ड है. हर एक थिंकर को एज मच एज डिटेल्ड पॉसिबल वी हैव टू प्रिपेयर, और बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल है. इस यूनिट से कुछ भी GK टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है नहीं. दैट मींस अगर आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका स्कोरिंग बहुत आसान है. दिस यूनिट मेनी स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, इफ यू प्रिपेयर दिस यूनिट वेरी वेल, देन इट बिकम्स वेरी स्कोरिंग फॉर यू पीपल. क्योंकि इसमें से अगर आपको पता है तो मार्क्स फॉर श्योर आता है. यस,
नंबर टू, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स, ये भी लेंथी है, डिटेल्ड है, थियोरेटिकल है और इसमें भी जीके बाहर से क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है. इट्स अ सेट स्टैंडर्ड सिलेबस फॉर एनी रिसर्च मेथडोलॉजी एग्जाम. सो इफ यू प्रिपेयर इट वेल देन मार्क्स स्कोरिंग वेरी इजी. बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सिलेबस ऑलरेडी काफी आसान है, बट उसे स्ट्रैटेजिकली हमें प्रिपेयर करना है. हर एक टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, रिलेटेड थिंकर्स कौन कौन से हैं, दैट्स ऑल. ओके, यूनिट फोर में थोड़ा बहुत थियरी है लेकिन इसमें जीके भी है. जैसे रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या क्या रीसेंट स्कीम्स आए हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर सेंसस का डेटा. वी नो कि सेंसस डेटा हैज नॉट बीन अपडेटेड, सो द लास्ट अवेलेबल प्रॉपर ऑफिशियल सेंसस डेटा दैट वी हैव इज फ्रॉम 2011, सो वी विल स्टिक टू दैट. कुछ भी अगर नया डेटा आता है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ओके, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट में थियरी ज्यादा नहीं है लेकिन स्टैटिक जीके स्कीम सोशल मूवमेंट्स बहुत ज्यादा है. यू गाइस हैव टू प्लीज पे अटेंशन टू दिस दैट यूनिट 5 इज ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ लॉज, एक्ट, स्कीम्स, सोशल मूवमेंट्स, कौन सा कहाँ हुआ था, किसमें कौन से इंसान लीडर थे, ये सारी चीजें जीके में आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, यूनिट 6 इज नॉट मच थियरी और इसमें लिमिटेड जीके भी पॉसिबल नहीं है, ज्यादा जीके इसमें भी पॉसिबल नहीं आती है अपार्ट फ्रॉम सम स्कीम्स, लॉज एंड एक्ट्स. एनवायरनमेंट वाला भी ज्यादा लंबा यूनिट नहीं है, कुछ ही लेस थियरिस्ट्स हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट और सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन इसमें काफी सारा जीके है बेस्ड ऑन लॉज एनवायरनमेंट में. जैसे हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लास्टिक रेगुलेशन एक्ट एटसेट्रा, सो ऐसे बहुत सारे लॉज आपको याद रखने हैं. यूनिट 8 फैमिली मैरिज किनशिप भी ज्यादा थियरी नहीं है, कुछ ही थिंकर्स हैं जिन्होंने फैमिली मैरिज किनशिप को डिटेल में डिस्कस की है. बट यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देना है, देयर आर लॉट ऑफ जीके क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ religious laws and acts. Okay, I hope you people are understanding. जैसे कौन से हिंदू मैरिज एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था, पॉलीगैमी हिंदू मैरिज एक्ट में कब एबॉलिश हुआ था एटसेट्रा, सती कब एबॉलिश हुआ था, सती रेगुलेशन एक्ट, दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा हम नेट एग्जाम में देखते हैं. दीज आर वेरी स्कोरिंग एज वेल. यस, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, अगेन ज्यादा थियरी नहीं है, कुछ ही थिंकर्स के नाम याद रखने हैं. बट यहाँ पे भी कुछ लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे साइबर लॉ, दिस दैट, इंडियन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं या फिर स्कीम्स हैं उनको थोड़ा बहुत आप लोगों को देखना है. यस, नाउ लास्ट यूनिट 10 थोड़ा बहुत थियोरेटिकल है. यूनिट 10 इज नॉट दैट इजी. यूनिट 10 में काफी सारा थियोरेटिकल पोर्शन आप लोगों को देखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट रिलीजियस लॉज, इंस्टीट्यूशंस, टूरिज्म, कौन सा रिलीजन पिलग्रिमेज कहाँ है एटसेट्रा, इस तरीके का जीके थोड़ा आप लोगों को इंपॉर्टेंस देना है. सो विद दिस आई होप यू पीपल गॉट सम आइडिया अबाउट कि कौन से यूनिट्स में हमको ज्यादा ध्यान देना है. यूनिट 1, 2, 3, यस, यूनिट 5 जिसमें मैंने कहा थियरी भी है और स्टैटिक जीके भी है, लास्ट के 6, 7, 9 इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यूनिट 8 और 10 में थोड़ा बहुत लेंथी हमें देखना पड़ता है. सो यू सी वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद अस, 2.5 मंथ्स बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम इसको स्ट्रैटेजिकली कैसे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें. Yes, now since I am there for you people, काफी students ऐसे हैं जो confused रहते हैं कि मैम कहाँ से पढ़े, ये वाला topic कहाँ से पढ़ना है, this that. Now उसका duty मेरा है, I have read all the books, so I am going to give you people the notes for that. But rest, काफी सारे changes के बारे में मैंने कहा था, so let us see what are those changes I'm talking about. Now how are we going to cover the syllabus in 2.5 months? ये बहुत important question है. So those students who are asking, ma'am क्या आपका नया course आ रहा है Unacademy Plus में? बहुत सारे students already subscribe कर चुके हैं Plus में, जो मेरे पुराने videos देख रहे हैं. फिलहाल yes, Unacademy Plus में April 2nd से मैं एक क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूँ जो अप्रैल और मई महीने में चलेगा. दैट इज 2 months, टोटल 30 क्लासेस होंगे इसमें. और क्लासेस का पैटर्न मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली डिवाइड किया है डिपेंडिंग ऑन माई स्केड्यूल एंड माई बिजी डेज. सो क्लासेस मैंने हर ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे 8 PM को रखा है. मैंने इस रीजन से क्लासेस सिर्फ 3
दिनों में रखा है, सो दैट मान लीजिए अगर किसी कारण से मैं एक पर्टिकुलर डे में अवेलेबल नहीं हुई, सो उस क्लास को मैं नेक्स्ट डे कवर कर पाऊँ. जनरली क्या होता है, अगर बैक टू बैक क्लासेस होता है, सो एक क्लास मिस हो जाता है, देन द रूटीन कीप्स ऑन गेटिंग प्रोलॉन्ग, रीस्केड्यूल होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. देयरफॉर मैंने जो नया क्रैश कोर्स इनिशिएट किया है, जो April 2 से शुरू होने वाला है, वो सिर्फ ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडेज को ही होगा 8 PM को. ओके, सो दैट अगर कभी भी कोई क्लास मिस हो उसे हम नेक्स्ट डे कवर कर पाए. इसलिए मैंने एक एक दिन का गैप रखा है हर एक क्लास के बीच. ओके, सो देयर इज नो प्रेशर. मैंने बहुत टेक्निकली इसको डिजाइन किया है सो दैट मैं अपना भी पीएचडी का काम कर पाऊँ और आप लोगों को पढ़ा भी पाऊँ, ज्यादा लोड भी नहीं रहेगा. ओके, अनअकैडमी फ्री और यूट्यूब क्लासेस में मैंने मॉक टेस्ट और मेगा मैराथन क्लासेस डिजाइन किया है, बट आई हैव नॉट येट डिसाइडेड द टाइमिंग्स मैंने डिसाइड नहीं किया है. मोस्ट लाइकली टाइमिंग्स रात के 10 बजे होगा. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रात के 10 बजे के क्लासेस लेट लगती हैं, बट आई हैव नो अदर चॉइस क्योंकि मेरा फुल डे जो है वो ऑक्यूपाइड रहता है. आई हैव टू गो टू माई यूनिवर्सिटी, सो आई डो नॉट हैव टाइम टू टेक क्लासेस दिन में क्लासेस पॉसिबल नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस आई एम एट होम. ओके, सो अनअकैडमी फ्री और यूट्यूब के क्लासेस के जो स्केड्यूल होंगे बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल में. सो इट्स मैंडेटरी दैट यू फॉलो मी ऑन अंतरा स्क्वाड टेलीग्राम, क्योंकि बाद में मुझे ये क्वेरीज नहीं चाहिए कि मैम कहाँ क्लासेस हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है. ओके, इज दैट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर अंटिल नाउ? सो 10 PM 10:15 PM इस तरीके से हम लोग फ्री वाले क्लासेस कवर करेंगे. सो अगर बहुत लेट होता है आप लोगों के लिए, आप लोग बाद में उसको रिकॉर्डिंग में देखो, लेकिन इससे पहले यू नो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर. ओके, ऑल राइट. नाउ देर आर मेनी स्टूडेंट्स अगेन हु कीप आस्किंग कि मैम हम लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है प्लस में, लेकिन कौन से फुल कोर्सेज देखना है, बिकॉज देर आर सो मेनी कोर्सेज एंड मोस्ट ऑफ देम आर इनकम्प्लीट. जब भी आप खोलते हैं कॉमन you know, common query and angst between students. Now, these are the only two courses that you people have to refer to. Okay? ध्यान से देखो, जो full detailed courses already covered है, वो यही दोनों कोर्स है, इसके अलावा और नहीं देखना है. एक है कंप्लीट कोर्स इन सोशियोलॉजी December 2021, कंप्लीट कोर्स इन सोशियोलॉजी NTA UGC नेट एंड गेट. बस यही दो कोर्सेज कंप्लीटेड और डिटेल्ड है, बिकॉज राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ क्रैश कोर्स. तो बहुत सारे टॉपिक्स क्रैश कोर्स में हम डिटेल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. सो इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रेफर टू सम डिटेल्ड क्लासेस, यू कैन गो टू ओनली दीज टू कोर्सेज, और कोई भी पुराना कोर्स ओपन नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ओपन करेंगे तो फिर से कंफ्यूजन होगा एंड देन द सेम झंझट की मैम क्लास नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं खुल रहा है. ओनली दीज टू कोर्सेज फ्रॉम माई प्रीवियस डिटेल्ड कोर्सेज, दैट इज कंप्लीट कोर्स इन सोशियोलॉजी December 2021, कंप्लीट कोर्स इन सोशियोलॉजी NTA UGC नेट एंड गेट. बाकी कोई भी पुराना कोर्स नहीं खोलना है. ओके, इज दैट क्लियर? This is only for the plus students जो already Unacademy Plus में subscribe कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं. Yes? मैम December 2022 भी completed है. अगर December 2022 completed है then very well and good, उसको भी आप लोग देख सकते हो. Okay? So, फिलहाल माई ओनली पॉइंट इज अगर जो भी कोर्स कंप्लीटेड है सिर्फ उन्हीं को देखना है, बाकी पुराने वीडियोस नहीं खोलना है. ओके, नाउ फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू प्लस या फिर जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं, नाउ दिस इज द न्यू क्रैश कोर्स दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट. ये जून NTA नेट के लिए है. इस क्रैश कोर्स में हम लोग फुल सिलेबस को ही देखेंगे, बट इसके अलावा यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ अदर मटीरियल्स, जितने भी पुराने इंपॉर्टेंट रेडीमेड PDFs हैं, उसके अलावा जो भी अपडेटेड नोट्स मैंने ऐड की है, बिकॉज ओवर द ईयर्स 30% चीजें ऑलरेडी ऐड हो चुकी हैं. एग्जाम्स न्यू तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो वो सारे कंटेंट भी होंगे इसमें. बहुत सारे पुराने सॉल्व्ड MCQs, PYQs थाउजेंड्स में है, वो भी आप लोगों को मिलेगा. यस, आई होप दिस इज क्लियर. 2 April 8 PM से शुरू हो रहा है हमारा क्रैश कोर्स, जो कि टोटल 30 क्लासेस होंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई. यस, ओनली 3 days क्लासेस पर वीक, दैट इज ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे. कभी कभी संडेज में भी क्लासेस हो सकती हैं. ऑलराइट, ओके. नाउ काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम आप जो भी कंटेंट अभी पढ़ाओगे क्या ये न्यू है,
क्या न्यू जो नए एडिशन वाले नॉलेज है, न्यू थिंकर्स जैसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं एग्जाम में, क्या वो सब होंगे? यस, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड 30% न्यू अपडेटेड कंटेंट, प्लीज पे अटेंशन। पुराने मटेरियल्स ऑलरेडी है, बट इस बार मैं 30% न्यू अपडेटेड कंटेंट ला रही हूँ, और कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन पेजेस के ऊपर मैं न्यू मेंशन कर दूंगी। ऑन टॉप ऑफ द नोट्स आई विल मेंशन न्यू, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। जितने भी पुराने सोर्सेज आप लोग रेफर कर रहे हैं उन्हें करते रहे, पर जो भी न्यू मटेरियल्स ऐड होंगे यू पीपल हैव टू रेफर टू दोज एज वेल। ओके, क्लियर? यस। विनोद पूछ रहे हैं कि मैम कौन सा कोर्स देखे, 21 वाला कि 22 वाला या फिर गेट वाला? आप इनमें से कोई भी देख सकते हो। मैं प्रेफर करूंगी जो लेटेस्ट है, अगर दिसंबर 22 वाला लेटेस्ट कंप्लीटेड वाला कोर्स है तो वही प्रेफर करें। ओके, यस, इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? आई होप नो मोर क्वेरीज। 30% न्यू चीजें ऐड हो रही हैं। आई एम गोइंग टू यू नो फोकस मोर ऑन न्यू थिंकर्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स। वही घिसे पिटे पैरेटो और इन सब से क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल। यू गाइस हैव सीन दैट यू नो ओवर द इयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं प्रोफेसर्स, वो भी न्यू तरीके के थिंकर्स और बुक्स और कॉन्सेप्ट्स में फोकस कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू ऐड दोज इन द नोट्स, और उन पेजेस के ऊपर न्यू वर्ड लिखा रहेगा, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, नाउ जितने भी स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और मेरे फ्री क्लासेस पे डिपेंडेंट हैं, उनके लिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं जिनको आपको रेफर करना है। जैसे टेलीग्राम में कुछ किताबें मैं आज ही शेयर कर दूंगी। सो लेट्स अज्यूम कि हम प्रेपरेशन आज से शुरू कर रहे हैं। जॉर्ज रिट्जर का सोशियोलॉजिकल थियरी, सी एन शंकर राव का सोशियोलॉजी बुक, हैरलॉम्बस की सोशियोलॉजी ऑरेंज वाली बुक, बी के नागलास इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और ट्रूमैन की जो सोशियोलॉजी गाइड बुक आती है, लेकिन उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं एमसीक्यूज में। सो प्लीज बीवेयर ऑफ दैट, मिस्टेक्स वाले आंसर्स को फॉलो ना करें, और मेरे पुराने जितने भी यूट्यूब और अनअकैडमी की फ्री क्लासेस हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। मैम यूनिट वाइज वाले कोर्सेज नहीं देखना है, यूनिट वाइज वाले कोर्सेज बहुत सारे इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। दिसंबर 22 वाला देखो, दिसंबर 21 वाला देखो, या फिर नेट और गेट वाला देखो। कुछ कोर्सेज ही मैंने कंप्लीट की थी यूनिट वाइज में, जैसे यूनिट 10 हो गया, यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2, लेकिन सारे नहीं है, सो कंफ्यूजन में नहीं आना है। ओके, यस, ऑल राइट, इज दिस क्लियर गाइज? सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स का क्लियर है? नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू पीपल सम न्यू रूल्स ऑन माई टेलीग्राम, क्योंकि इतने सारे महीने में टेलीग्राम में नहीं थी, सो कुछ भी चल रहा था टेलीग्राम में, ऐसा आप नहीं होगा। दीज आर सम न्यू रूल्स, यस, लेट अस सी व्हाट आर दे। टेलीग्राम चैनल अंतरा स्पॉट को पहले तो आप लोग ज्वाइन करो, और उस चैनल को आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट्स या क्वेश्चन पेपर्स भेजने के लिए ही यूज करो, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी वेरी यू नो क्लमजी एंड देन आई ऑल्सो गेट लॉस्ट। पहले बहुत साल पहले 2020 वाले बैच में आई यूज्ड टू रिमेम्बर, स्टूडेंट्स इतने एक्टिव थे, ग्रुप्स को सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियरिंग और क्वेश्चन पेपर्स भेजने के लिए ही यूज करते थे। सो प्लीज डू दैट। मैं रात को ग्रुप्स बंद कर दूंगी, सो दैट कोई भी अननेसेसरी चीजें ना हो। यस, सारी चीजें, क्लास कब होगी क्या नहीं, डाउट्स जो भी आप लोग भेजोगे वो मैं अपकमिंग क्लासेस में आपको क्लियर कर दूंगी। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैम काइंडली शेयर हाउ मच मार्क्स कंटेन चैप्टर वाइज। ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन रूल नहीं है, जनरली यूजीसी नेट शुड फॉलो कि 10 यूनिट में से 10 10 10 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछना चाहिए, बट दे डोंट डू दैट। काफी बार ऐसा देखा गया है कि एक यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, कुछ कुछ यूनिट से क्वेश्चंस आए ही नहीं, सो वी कैन नॉट रियली रिलाई ऑन दैट। यस, ओके, मैम नेट जे आर एफ मैंडेटरी होने से यूनिवर्सिटी आउटसाइड लेंगे वो अपने स्टूडेंट को प्रेफरेंस देंगे? यस, अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिलहाल पीएचडी में अगर आपको एलिजिबिलिटी अप्लाई भी करना है तो आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा। सो एटलीस्ट जो पहला स्टेप है वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। यस, नाउ प्लस क्लासेस के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप है, वो आपको जब प्लस क्लास में आप आएंगे तब मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी। ओके, नाउ जितने भी फ्री क्लासेस होंगे, क्लासेस के पीडीएफ लिंक्स आपको टेलीग्राम में मिलेंगे आफ्टर द क्लासेस।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हैं सोशियोलॉजी रिलेटेड, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम का हो, जो मैंने पहले सॉल्व नहीं किया, प्लीज सेंड इट टू मी ऑन टेलीग्राम सो दैट वी कैन यूटिलाइज दीज क्वेश्चन फॉर आर मॉक टेस्ट. और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है. यस, अपडेटेड क्वेश्चंस के टॉपिक की वीडियो अंजल, जो अपडेटेड कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ वो मैं अनअकैडमी प्लस के क्रैश कोर्स के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, लेकिन जब भी हम मॉक टेस्ट वगैरह करेंगे फ्री क्लास में, वहां पे भी वो अपडेटेड कंटेंट कहीं ना कहीं जरूर आएगा. ओके, ऑलराइट. फिलहाल जो क्रैश कोर्स है अनअकैडमी प्लस में, वहां पे मैं सारे जो 30% अपडेटेड कंटेंट की बात कर रही हूँ वहां पे. Okay, and all these important PDFs like books and authors PDFs, concepts PDFs, quotation PDF, ये सब कुछ आप लोगों को प्लस में मिलेगा if you guys join this. ये तो बाकी पुराने students को भी पता है, once you join plus you do get this. Yes, all right. Now so April plus May में मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या क्या हम लोग प्लान कर रहे हैं. फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्रैश कोर्स के थ्रू ऑन अनअकैडमी प्लस. फ्री क्लासेस में मैराथन वीडियोस होंगे और एंड ऑफ मई हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं. फिलहाल मैं मॉक टेस्ट नहीं करूंगी, जैसे मैंने कहा पहले सिलेबस कंप्लीट करना है उसके बाद मॉक टेस्ट. यस, हम लोग पेड क्लासेस में, फ्री क्लासेस में, दोनों में एंड ऑफ द मंथ ऑफ मे वी विल स्टार्ट विथ मॉक टेस्ट. ओके, क्लियर. नाउ जितने भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम आपका क्लास कहाँ से करें, अगर आप लोगों ने लेट वीडियो ज्वाइन किया है प्लीज इस वीडियो को रिकॉर्डेड आप लोग बाद में जरूर देखें, बिकॉज मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन बिगिनिंग में बोल दिया है. ओके, अच्छा, मैंने इस बार एक नया चीज ऐड किया है, वो है होमवर्क का, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे एग्जाम्स में आप लोग पूरा का पूरा जो बोझ है, लोड है, मुझ में डाल देते हैं. इस बार ऐसे नहीं चलेगा. ओके, होमवर्क्स आप लोगों को करना पड़ेगा, एक्टिव इनिशिएटिव लेना पड़ेगा एज स्टूडेंट्स. हर एक क्लास के एंड में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क्स दूंगी, एंड इफ यू पीपल आर रियली सिंसियर अबाउट क्रैकिंग दिस एग्जाम देन प्लीज टेक दीज होमवर्क सीरियसली, बोथ फॉर पेड क्लासेस एंड अनपेड क्लासेस. क्योंकि अगर प्रेशर सिर्फ मुझ में होगा, मुझे एग्जाम नहीं देना है, आप लोगों को देना है. यस, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, सो प्लीज वॉच इट गाइज. ओके, इतना बुक्स का नाम कैसे याद करें अब, ये तो मैं कैसे बताऊं, मुझे खुद याद नहीं रहता इतना बुक्स के नाम. लेकिन जितना ज्यादा आप उन पीडीएफ्स को बार बार देखते रहोगे, कहीं ना कहीं ब्रेन रजिस्टर कर लेता है. जब आप एग्जाम में उस किताब का नाम देखोगे, कहीं ना कहीं इट माइट रिमाइंड यू कि आपने ये क्वेश्चन देखा है पहले. यस, सो होमवर्क बहुत मैंडेटरी है. बाकी जितने भी इनसिंसियर स्टूडेंट्स हैं जिनको सारा लोड मुझ में देना है, आई डोंट नो अबाउट देम, बट दिस टाइम प्लीज लेट्स टेक अ फुल इनिशिएटिव सो दैट यू नो बोथ ऑफ अस कैन डू दिस थिंग वेरी नाइसली, और आप लोग अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे नहीं देना है एग्जाम. यस, नाउ आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग. ये चीज एक नया एडिशन किया है इन लोगों ने, सो आई वॉन्ट to pay attention to this, कि अगर आप Unacademy Plus में subscribe करना चाहते हैं इस crash course के लिए, तो फिर आप कर सकते हो. जैसे आप UGC NET का जो category है उसमें जाके आप 3 months का minimum आप कर सकते हो. लेकिन there is one more thing, इन लोगों ने एक अच्छा चीज ये किया है कि अगर आप Unacademy Plus में subscribe करोगे तो आपको paper 1 और पेपर 2 दोनों मिलेगा. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ मेरा कोर्स फॉलो करना है, तो अगर सिर्फ आपको सोशियोलॉजी का चाहिए तो आप ये वाला कोर्स स्टोर से भी खरीद सकते हैं. आई थिंक द स्टोर प्राइस इज अराउंड 2999, आई थिंक इट्स अराउंड 3000. लेकिन अगर आप प्लस में सब्सक्राइब करेंगे, आई थिंक 3 months इज अराउंड 5000. पर प्लीज चेक कर लीजिए. ओके, जस्ट डू चेक इट, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा. अब अगर स्टोर से खरीदेंगे तो सिर्फ आपको एक्सेस इस कोर्स का मिलेगा. अगर आप अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब करेंगे एज ए होल, तो आपको बाकी पेपर 1 पेपर 2 के जितने भी टीचर्स हैं उनके कॉन्टेंट भी आपको मिलेगा. ओके,
Is that clear? You people already know my referral code, that is Antara Chak. But what I'm trying to say is, मैंने classes 2nd April से शुरू इसलिए किया है क्योंकि उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ homework देने वाली हूँ. हमारे पास 3 दिन है, तो इन 3 दिनों में आप लोग थोड़ा बहुत homework करें, so that मेरे लिए भी आसान हो, आपके लिए भी आसान हो, ये crash course में इतना जो बड़ा syllabus है उसको हम finish कर पाए. Yes? Varun is saying ki ma'am NTA is going to release this UET PG result soon. If this UET PG question paper is out, then please send it to me. I will be more than happy to solve it for you guys. Okay? All right. So is this clear? कोई भी doubt है अभी कुछ मुझे बताओ. कुछ भी doubt बाकी रहा, कोई भी ऐसी चीज है जो मैंने नहीं बताई हो, जो आप लोगों को you know you want more clarification on, please ask. क्रैश कोर्स में हम लोग अपडेट करेंगे, फ्री क्लासेस में मॉक टेस्ट मैराथन वीडियोस आएंगे, फ्री क्लासेस का स्केड्यूल मैं आप लोगों को टेलीग्राम में भेजूंगी. आई हैव ऑलरेडी सेड दैट टू यू गाइस. ओके, एनी अदर डाउट्स? कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम बूस्टर वीडियोस भी डालो. ठीक है, अगर अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं बूस्टर वीडियोस डालूंगी. एज यू गाइस नो आई एम वेरी मच रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, सो प्लीज बेयर विथ मी. ओके, yes, all right. I was also thinking if you guys want me to take a small video on a routine, ki routine hum kaise banaye, kaise hum log 2.5 months mein divide karenge hamara preparation, I can take a video of that sort for you guys tomorrow, but do let me know. Yes, routine pe agar koi bhi video chahiye aap log mujhe बोल सकते हो टेलीग्राम में. और मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं आप लोग मुझे टेलीग्राम में भेजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ सॉल्विंग दोज क्वेश्चन पेपर्स. ओके, ऑल राइट, इज दैट क्लियर? आई एम रीचेबल ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन सेंड इट टू मी. क्लियर? ओके, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं आपको ऑब्वियसली आपको एक्सेस मिलेगा, यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब अगेन. यस मैम, हैरल अम्बर सीरीज नहीं चल रहा. आई अंडरस्टैंड एक्चुअली कुछ पुराने जो कोर्सेस हैं उनको डिलीट कर दिया गया है, बट दैट्स नॉट अ कंसर्न. आप लोग उस कोर्स का जो पीडीएफ है उसको आप रेफर कर सकते हो, वो पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगी नए कोर्स के अपडेट सेक्शन में. ओके, जो भी बाकी एग्जाम्स के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो प्लीज आप लोग मुझे अलग से भेजे, सो दैट आई नो क्या है वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स. ऑलराइट, yes, if you people are, देखो ये सब नहीं सोचना है कि I'm not from sociology, क्या एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा. ऐसे सोचो कि आज से प्रिपरेशन शुरू होगा, जो भी होमवर्क्स मैं दूंगी, जो भी कंटेंट आपको पढ़ने को बोलूंगी, वो सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है. इफ अपना 100% दो, अगर 100% देने के बाद भी नहीं होता है तो आपको पता चलेगा what are the loopholes that you people are struggling with, तो फिर हम next attempt में और बेहतर syllabus prepare करेंगे. But फिलहाल don't think of your weaknesses like that. ओके, ऑल राइट, सो जो भी न्यू बुक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब मैं आप लोगों को ऐड करूंगी जितना भी पॉसिबल हो. ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया, मुझसे जितना कवर हो पाएगा आई विल ऐड एवरीथिंग इन द न्यू कोर्स. ओके, ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच. आई होप यू पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट. व्हाट आई वांट टू से इज, अपने कलीग्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बताओ कि यू नो आई एम बैक फॉर द जून एग्जाम, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता. आई विल सी यू सून इन क्लासेस. फिलहाल नेक्स्ट 3 दिन में जो भी होमवर्क दूंगी टेलीग्राम में उन्हें प्लीज ध्यान से करें. ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज. आई विल सी यू पीपल सून इन क्लासेस. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.